गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 11th क्लास CBSE के लिए आज हमारी फिजिक्स की क्लास है। देखिएगा, अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास के अंदर हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके अलावा हमने एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कस किया था। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड सम न्यूमेरिकल्स एंड सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एज PDF इन ग्रुप। सो टूडे आवर टॉपिक इज एक्सेलरेशन। इन प्रीवियस क्लास वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट द लास्ट टू और थ्री क्लासेज, दैट इज द चैप्टर ऑफ द थर्ड ऑफ योर बुक मोशन इन लीनियर या राइट लीनियर मोशन या मोशन इन स्टेटिक लाइन, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन एटसेट्रा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो टूडे आवर टॉपिक इज एक्सीलरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एंड एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन? यू ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एक्सीलरेशन इन क्लास 9th एज चैप्टर ऑफ साइंस फिजिक्स पार्ट मोशन, इन विच यू ऑल्सो स्टडी अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन लाइक एज न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो सिमिलरली टूडे वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द एक्सीलरेशन ब्रीफली। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity with respect to time in any moving object known as acceleration। यानी अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर जो टाइम की रेस्पेक्ट में चेंज होता है वो क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिएगा, टाइम की रेस्पेक्ट में वेलोसिटी के अंदर चेंज मींस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे उसकी स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है, स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है इसका मींस क्या है? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे आप बाइक का जो एक्सीलरेटर होता है, ठीक है, एक्सीलरेटर वो क्या काम आता है? किसी बाइक की स्पीड को इंक्रीज करने के, ठीक है। तो यानी टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर उसकी स्पीड सॉरी वेलोसिटी अगर चेंज होती है, अब वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। जब डिक्रीज होती है वहां पर हम उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे बोला जाता है कि व्हाट इज एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एक्सीलरेशन। क्लियर? अब देखिएगा, अगर हम इसको ग्राफ से डिनोट करें, मान लेते हैं हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरह से मूव कर रहा है, यहां पर वेलोसिटी हो गया v और यहां पर हमने टाइम ले लिया, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट हो, मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पर, किसी टाइम इंटरवल t1 पर उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v1 मान लेते हैं, ठीक है ना, v1 हो गया। और किसी टाइम इंटरवल t2 पर, वो भी टाइम इंटरवल t2 है, उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है? मान लेते हैं v2 है। क्लियर? यानी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो आपको पता है वो किस तरह का होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है।
लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इस तरह से है, यानी टाइम की रेस्पेक्ट में वेलोसिटी के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन को बच्चों ए से नोट करते हैं, किसे नोट करते हैं, ए से, स्मॉल ए से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर देखिएगा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना हुआ है, वी टू और वी वन, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी टू है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी वन है। आपको वी वन को वी आई से भी लिखा जाता है या वी एफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, यहां से हम निकालेंगे तो वी टू माइनस वी वन अपॉन टाइम के अंदर चेंज कितना है, टी टू से लेके टी वन, यानी फाइनल टाइम कितना है टी टू, और इनिशियल टाइम कितना है टी वन, यानी टी टू माइनस टी वन। यानी एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, एवरेज एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एरो, यानी ये क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ की स्लोप के बारे में बात करें, जैसे कि ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, इसी इनिशियल पॉइंट पर ये पॉइंट बी है, तो अगर हम इस स्लोप की बात करें, ये स्लोप कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन, और ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, सी। तो अगर हम टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा वो कितना हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, क्लियर। तो एक तो फॉर्मूला ये होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देखिए टेन थीटा क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो बीसी, बीसी मींस क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस वी वन, यानी v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1, यानी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप है, यानी यहां से हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी, मैं डायरेक्ट लिखता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिनोड एक्सीलरेशन, यानी वेलोसिटी ऑफ सॉरी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको हम क्या बोलेंगे, वी टी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको नोट करता है, एक्सीलरेशन को। आपको पता है एक्सीलरेशन को किसे नोट किया जाता है, ए से नोट किया जाता है। अब देखिएगा, तो यहां से देखिएगा, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है कि एक्सीलरेशन ऑफ एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम known as acceleration। तो देखिएगा instantaneous acceleration क्या होता है कि किसी भी instant का, किसी भी time point का acceleration होता है, वो क्या होता है instantaneous। जैसे कि कोई object है वो एक long time interval के लिए move कर रहा है, उसकी velocity क्या हो रही है, change हो रही है, आपसे किसी भी गिवन टाइम के लिए पूछ लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को कैसे निकालते हैं कि लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या होता है एक्सीलरेशन, कौन सा इंस्टेंटेनियस। ठीक है ना, हम यहां पर लिख सकते हैं instantaneous, तो limit of delta t equal to zero, यानी time interval बहुत छोटे समय के लिए, delta v upon delta t, यानी change in velocity with respect to time, clear? तो बच्चों ये क्या होता है acceleration होता है। अब देखिएगा इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये note करना आपको as it is, ठीक है, notebook के अंदर continuous class लगेगी, अब तो आप इसको note कीजिए proper तरीके से। अब देखिएगा
अगर हम एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ी बात करें कि इसकी यूनिट क्या होती है और इसकी जो डायमेंशन है उसके बारे में पहले बात करते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। देखिएगा ऐसा यूनिट की बात करें, आपको बताया एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की यूनिट की बात करें हम, तो वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मीटर पर सेकंड किसकी स्पीड है, किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की। और अगर टाइम की बात करें अपॉन में, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक है ना, नीचे हम इसलिए क्या लिखा, इसको सेकंड लिखा है, यानी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। क्लियर, तो यहां से हम कर सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। क्लियर, सो यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज ऑल्सो रिटन एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, लेट अस डिस्कस अबाउट द डायमेंशन। डायमेंशन फॉर्मूला, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी देर इज नो कंपोनेंट या नो टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, सो मीटर एम जी हो गया, मास के कोई भी टर्म नहीं है, मीटर किसमें लिखा जाता है, एल मीटर का टाइम है, वन टाइम पर सेकेंड है। ठीक है, यानी टी माइनस टू, कितनी है पावर उसकी, माइनस टू है, तो यहां से जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कितना हो गया, एम जीरो एल वन टी माइनस टू, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। क्लियर, अब देखिएगा एक्सीलरेशन के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि नोट की इसको सेम एडिंग। ठीक है, यूनिट के बारे में आपको ध्यान रखना है और डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्सीलरेशन के बारे में, तो देखिएगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी जो एक्सीलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स एक्सीलरेशन के साथ उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। क्लियर, अब देखिएगा एक्सीलरेशन मे बी जीरो, जीरो कब होगा, एक्सीलरेशन मे बी जीरो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट देन एनी मूविंग बॉडी when anybody moving with constant या uniform भी बोल सकते हैं velocity। देखिएगा अगर कोई भी body constant velocity से move कर रही है, लगातार एक velocity से move कर रही है, तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन एक्चुअली में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उस केस में। ठीक है ना, ध्यान रखना कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, सेकेंड अगर बात करें एक्सीलरेशन मे बी पॉजिटिव, कब होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है उस केस में एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, एक्सीलरेशन में भी पॉजिटिव कब, व्हेन एनी बॉडी मूविंग विद इन
यानी अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उस केस में एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब एक्सीलरेशन जो नेगेटिव है वो कब होगा, मे बी नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव कब होगा, अगर किसी भी बॉडी की स्पीड है वो लगातार डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, उस केस में उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। व्हेन एनी बॉडी moving with decreasing velocity, decreasing velocity का मतलब उसकी velocity लगातार क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। अब देखिएगा जो negative acceleration है, जो negative acceleration है उसको दूसरे नाम से बोलते हैं, it is also known as डिक्लेरेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब कुछ ग्राफ बात करते हैं एक्सीलरेशन के अंदर, ग्राफ्स फर्स्ट ग्राफ अगर हम बोल रहे कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद जीरो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन के केस में जो ग्राफ है वो किस तरह का होगा, इस तरह से। अगर हम ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी को चेंज ही नहीं होगा, यानी जीरो एक्सीलरेशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की लाइन होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, क्लियर। अगर हम बात करें सेकंड हो गया, देन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देखिएगा तो ये क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो उसकी लाइन कैसे भी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इसको बच्चों यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। थर्ड की हम बात करें कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की जो ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। और लास्ट की हम बात करें फोर्थ नंबर, व्हेन एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, तो एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव है उस केस में ग्राफ किस तरह का होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इक्वेशन और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ साथ नोट करते रहना इनको, ठीक है, पॉज करके, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है उसके बारे में डिस्कस करना।
करेंगे हम, और आप भी कोशिश करना करने की किसी भी दूसरी बुक से या रेफरेंस बुक से या आपकी एनसीईआरटी बुक से जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।